तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत करते हैं आपका एक नए ब्लॉग में। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम लोग गाइस आज जा रहे हैं देवरिया, और थोड़ा गाइस गाड़ी के एजेंसी पर घूमा जाएगा, और मुझे मोबाइल का भी कुछ काम था भाई, मोबाइल भी नया लेना है, तो देखते हैं क्या होता है। तो चल के आगे आपको पता लगेगा। सो गाइस अभी देख सकते हैं फिलहाल रोड पर काफ़ी मतलब यार भीड़ भाड़ आज कम है, ठीक है ना। और गाइस 15 तारीख को पता है आप सभी को नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा, तो गाइस बहुत ही मज़ा आएगा नवरात्रि में भी। हम लोग कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगता हो, ब्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगता हो गाइस, तो लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को। और हमारे सामने स्कॉर्पियो मतलब क्या ही मस्त है यार भाई, मतलब गाड़ी यार, और स्कॉर्पियो की बात ही अलग है भाई। मतलब स्कॉर्पियो जब रोड पर चलती है ना भाई, एक अलग ही टोहरा होता है भाई, मतलब देखकर सिर्फ देखने में ही मज़ा आ जाता है। सोचो यार गाइस इसके अंदर बैठ कर क्या फील होगा। तो यही है, और अभी हम लोग अपने बाइक के ऊपर, और हमारे सामने टेम्पू, तो टेम्पू को करते हैं गाइस ओवरटेक। और भाई सामने से पुलिस की गाड़ी भी आ रही है भाई, ये है SHO की गाड़ी भाई, ठीक है ना। तो देख लीजिए हमारे घर के SHO भाई बोलेरो चलते हैं हमारे थाने के, तो यही है। और मस्त एकदम गाइस देख लीजिए रोड का माहौल यार, मतलब भाई बिना हेलमेट के भाई, देखो चाचा स्कूटी वाले बिना हेलमेट के मतलब निकल गए हैं, इनको कोई चिंता ही नहीं अपनी भाई, तो यही है भाई। चलिए कोई बात नहीं, जो भी स्कूटी पर और बिना हेलमेट के, इनको भैया ना अपनी चिंता है ना अपने घर वालों की चिंता है। तो भाई यही बोलूँगा यार कि राइड के दौरान आप लोग कुछ नहीं तो कम से कम हेलमेट जरूर पहना करो यार, क्योंकि आपको पता ही है आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो, तो भाई कम से कम अपने बारे में नहीं सोचकर तुम लोगों के बारे में सोचकर भाई राइड के दौरान हेलमेट जरूर पहना करो। और सामने देख सकते हैं ये टायर और बैल, तो भैया यही है विलेज लाइफ देख लो भाई। तो बच्चे जा रहे हैं अपने घर, एग्ज़ाम का समय चल रहा है, और ये हमारे सामने TVS राइडर, मतलब राइडर ही है गाइस की कोई और गाड़ी है पता नहीं, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। और ये छोटा सा पुल गाइस देख लीजिए, मतलब भयंकर है यार। और रोड का सामने का सीन तो गाइस आप लोग चेक ही कर सकते हो यार, मतलब क्या ही मस्त गाड़ियाँ आ जा रही हैं गाइस। और इसी में गाइस स्कूल के बच्चों के भी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और छुट्टी हो चुका है, तो बच्चे भी भाई काफ़ी उतावले हैं, घर जा रहे हैं। तो यही है भाई, घर जाने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, चाहे वो आप परदेश से घर लौट रहे हो या फिर स्कूल से घर लौट रहे हो, तो घर का मज़ा घर ही कुछ और ही होता है गाइस। तो और ये है गाइस रामपुर थाना, तो आप लोग देख सकते हैं रामपुर थाना है ये थाना, मतलब भाई और स्कॉर्पियो भाई क्या सफ़ेद, स्कॉर्पियो भाई काले कलर में जमती है भाई, सफ़ेद में नहीं हमको अच्छा लगता है। तो गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना किस किस को वाइट स्कॉर्पियो अच्छी लगती है और किसको किसको ब्लैक स्कॉर्पियो अच्छी लगती है। तो मुझे तो गाइस ब्लैक स्कॉर्पियो ही अच्छी लगती है, ब्लैक में गाइस कोई भी गाड़ी हो मतलब उसका जवाब नहीं है, ब्यूटीफुल काफ़ी खूबसूरत दिखती है। जैसे हमारा चेतक ही है गाइस, मतलब ब्लैक में गाइस काफ़ी रोड पर चलता है तो कुछ अलग ही फील होता है गाइस, सबसे हटकर महसूस होता है कि हाँ बाइक है भाई। तो कलर भाई, कलर भी गाड़ियों का सबसे मेन मायने होता है भाई, गाड़ी लेना नहीं बड़ी बात होती है, आप कलर कौन सा ले रहे हैं भाई वो मायने ज़्यादा रखता है कि, ठीक है ना। छोटी सी कोई हल्की भी गाड़ी हो गाइस अगर उसका कलर अच्छा है तो लोग ज़रूर एक नज़र देखते हैं कि हाँ भाई। तो यही है भाई लोग, और रोड पर आप देख सकते हैं बहुत, अब देवरिया हम लोग काफ़ी नज़दीक है तो अब भीड़ थोड़ा सा भीड़ भाड़ रोड पर मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा भाई अंत तक, और पूरा राइड का मज़ा लो भाई। और आज का तो भाई ब्लॉग तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ियों के शोरूम पर, तो चलते हैं अलग अलग गाड़ियों के शोरूम पर जाएंगे, TVS के, बजाज के, यामाहा के, तीन एजेंसी पर जाएंगे गाइस, और देखेंगे गाड़ियों का मेला। और गाइस आप लोग पता ही है दिवाली आने वाला है, तो दिवाली बम्फर धमाके का फ़ायदा उठाएंगे हम लोग भी। और ये वेगनार है भाई देख सकते हो, वेगनार UP 53 CN 7172, वाह क्या नंबर है भाई, मतलब 7172। हेलमेट पहन के चला करो बिना हेलमेट के यार। और हमारे सामने भाई साहब देख सकते हैं ये पुलिस वाले हैं,
भाई पुलिस वाले भाई कुछ अलग ही टोरे हैं भाई, और पल्सर बाइक है भाई, तो यही है पल्सर पर घूम रहे हैं भैया पुलिस वाले। तो अब चोरों का बचना तो भैया नामुमकिन ही है, क्योंकि अब पुलिस भी अपाची और पल्सर से घूम रही है भाई, ठीक है ना। तो आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई क्राइम करके भाग जाएंगे, तो आप इस गलत फहमी में हैं, आपको भागने नहीं दिया जाएगा, तुरंत पकड़ लिया जाएगा भाई, क्योंकि पुलिस वालों के पास ही रेसर बाइकें आ चुकी हैं, और वो भी 220F थी भाई, जो रेसिंग के मामले में लेजेंडरी बाइक है बजाज की, आपको पता ही होगा गाइस, चेक कर लीजिएगा गूगल पर आप। तो 220F थी पुलिस वालों के पास, तो यही है भाई। और अभी हम लोग भाई देख सकते हो आगे से यार, शायद ये भी स्कॉर्पियो ही है, तो अभी तक काली स्कॉर्पियो नहीं दिखी भाई, सिर्फ सफ़ेद स्कॉर्पियो ही दिख रहे हैं आज। तो आज तो भैया स्कॉर्पियो का दिन है, तो देखते जाइए स्कॉर्पियो, गिनते जाइए गाइस कितनी स्कॉर्पियो हम लोग के सामने से गुजरती हैं। और हम लोग गाइस मस्ती में मतलब फुल चेतक के साथ राइड पर निकले हुए हैं, और जा रहे हैं गाइस देवरिया की तरफ। आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ यार, कि थोड़ा मोबाइल भी देखना है, बाइक भी देखना है, तो चलिए देखते हैं भाई, देखने में क्या ही जाता है, देखने का पैसा थोड़ी लगता है भाई, तो देखने में क्या जाता है भाई, हम लोग का काम है देखना, और चलिए देखते हैं और आप लोग को भी दिखाएंगे गाइस। सो वीडियो में बने रहिएगा भाई, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। सो ये है गाइस गौरा चौराहा, जय माँ जगदम्बे क्लब। तो गाइस जानते ही है नवरात्रि आने वाला है, माहौल हमारे तरफ पूरा रंगीन गमगीन हुआ है भाई, चारों तरफ मूर्ति कलाकार मूर्तियाँ बना रहे हैं। और गाइस आप लोग का दशहरा का मेला भी अपने तरफ का हम लोग घुमाया जाएगा आपको, तो नवरात्रि चढ़ेगा ना गाइस, तो हम लोग 16 तारीख को ज़रूर यार निकलेंगे कहीं बढ़िया से, हमारे इधर यार तरकुलही मंदिर है, तरकुलही देवी का स्थान है, वहीं पर देखने को मिल जाएंगे गाइस। यहीं से लोडिंग होता है सीमेंट का, और भाई जो भी हमारे यहाँ का राशन गांव में वितरित होता है, तो देख लीजिए पूरा मतलब दोनों तरफ भाई ट्रक ही ट्रक दिखेंगे आपको, ठीक है ना। तो और गाइस हम लोग यार देवरिया यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर और दूर है, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं भाई बस। तो तब तक यार आप लोग रास्ते में देखिए भाई मतलब, तो गाइस पहले इस ट्रैफिक को पार कर लेते हैं, ट्रक वालों की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर भीड़ भाड़ हो जाता है भाई। और एक चीज़ और भाई, अगर आप नए मोटो ब्लॉगिंग है, नए मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो भाई आप कैमरे पर ध्यान ना दें, आप रोड पर फोकस रखें अपना, आप बातें करिए लेकिन बातों में खो ना, उलझ मच जाइएगा गाइस, रोड पर भी अपना फोकस बनाए रखिए, क्योंकि पता ही है गाइस सेफ्टी बहुत ज़रूरी है भाई, पहले सेफ्टी बाकी चीज़ बाद में भाई, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो यार मतलब क्या, तो आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ गाइस। तो आप लोग ब्लॉगिंग करते समय पूरे इस बात का ध्यान रखें गाइस, ट्रैफिक नियम को अच्छे से पालन करें, और हेलमेट ज़रूर पहन के चले गाइस। और जो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं गाइस, तो उनको हेलमेट तो भैया पहनना ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगा भाई सभी लोग मोटो ब्लॉगिंग करें, ताकि इसी बहाने लोग हेलमेट तो भाई पहनेंगे कम से कम। इन भाइयों को भी देख लीजिए, मतलब कोई खौफ नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं। तो गाइस आप लोग से यार मिलते हैं अब शॉप पर, तो यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, और आपको सीधा मिलते हैं यार दुकान पर, क्योंकि हम लोग देवरिया पहुंच चुके हैं, यहाँ से बहुत भीड़ होता है गाइस, ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, तो मज़ा नहीं आएगा यहाँ से शूट करने में भी, तो थोड़ा सा यहाँ पर किनारे रुक लेते हैं और मिलते हैं सीधा आप लोगों से शॉप पर, दुकानों पर, तो वहाँ का भी सीन दिखाया जाएगा आपको, तो बने रहिएगा वीडियो में भाई।